वेलकम टू N7 न्यूज गौरव मंत्रिवर्यलु श्री कल्वकुंट्ल तारक रामाराव गारी जन्मदिन सदर्भंगा जूबली शासन सभ्यु श्री मागंटी गोपीनाथ गारु 24,2200 मंदी तो भारी संख्य तो मेगा ब्लड डोनेट क्यांप कोट्ल विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम नंदु निर्वहिंचारु। मुख्य अतिथिगा विच्चेसिन मिनिस्टर प्यूंड अजय कुमार, मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव, होम मिनिस्टर मोहम्मदा आली, डिप्यूटी मेयर बाबा फसीयुद्दीन रक्तदान गोपदी आ सदर्भंगे निजकवर्ग प्रजलू रक्तदान कोरार। डाक्टर वसुधा अशोक इंडिया इंडिया बुक आफ् रिकार्ड इच्छा। करोना महमारी कलसीमिया पेशेंट को निरंतर रक्त कावा कारण मेगा ब्लड डोनेश कैंप निर्वहित गौरव शासन सभ्यु निर्वहित इंडिया रिकार्ड साधन सदर्भंग जूबली शासन सभ्यु ब्लड डोने वाली धन्यवाद। ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా టిఆర్ఎస్ పార్టీ మరి సీఎం గారు కేసీఆర్ గారు చేసే కార్యక్రమాలే కానీ సంక్షేమ పథకాలే కానీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా ఆకర్షితులై మరి ముఖ్యంగా మేము ఒక పిలుపుగానే 8,000 మంది రావటం చాలా సంతోషంగా ఉంది। మరి ఇట్లాంటి సేవా కార్యక్రమాలు కూడా టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ముందుంటుంది। సీఎం కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడైతే పిలుపునిచ్చారో అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మేము బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాం। మరి అదే విధంగా యువకులంతా కూడా వాళ్ళు రావడానికి కారణం ఓన్లీ కేటీఆర్ కేటీఆర్ గారి పేరు చెప్పగానే మరి యువకులందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి తరలి వచ్చి ఇంతమంది యువకులు వాళ్ళ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారంటే సామాన్య విషయం కాదు। మరి ఇదే విధంగా మేము ఎప్పుడు కూడా ప్రజల మధ్యలో ఉండి ప్రజలకి ఇప్పుడు ఏ సమస్యలు ఉన్నా ఏ కార్యక్రమాలు కూడా మేము ముందుండి ఇదే విధంగా ఇంకా పార్టీ పేరు గాని దేఖినా ఆజ్ కా దిన్ భీ బహుత్ అచ్చా ఆజ్ హమారే पार्टी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है जो डायनेमिक लीडर है तेलंगाना के, उनका जन्मदिन केटीआर साहब एक बहुत महान अच्छे लीडर है। उन्होंने अपने पीरियड में खासतौर से उनको 3 पोर्टफोलियो दिए गए। इंडस्ट्री मिनिस्टर, इंडस्ट्री का जितना इन्वेस्टमेंट तेलंगाना स्टेट में हुआ है जितने अदर कंट्री के लोग आकर यहाँ पर इन्वेस्ट किया मैं समझता हूँ इंडिया में नंबर वन स्टेट तेलंगाना स्टेट है। उसी तरह जीएचएमसी में कोरोना के अंदर सारे इंडिया के अंदर लॉकडाउन था, कोई लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, पर यहाँ पर जितने रोड है उन पर काम किया गया, ब्रिजेस बनाए गए, बहुत अच्छा काम हुआ है। इसी तरह आईटी मिनिस्टर इंडिया में, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे इंडिया के आईटी मिनिस्टर साहब ने कहा कि सारे इंडिया में डायनेमिक लीडर है, आईटी लीडर है तो आईटी मिनिस्टर है तो केटीआर साहब है। उन्होंने अपने पीरियड में 6 साल में बहुत काम किया है, यकीनन वो बहुत महान और अच्छे लीडर है और बहुत एक्टिव लीडर है। आज उनका जन्मदिन है। आज जन्मदिन में खासतौर से जूबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे गोपीनाथ साहब वो हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं कई प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, बहुत डिसिप्लिन में काम करते हैं। आज ब्लड बैंक कायम किए, इस ब्लड बैंक के अंदर 1-2 हज़ार लोग शरीक हो रहे हैं, 2,000 बॉटल ब्लड दिया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हर चीज़ आप पैसे से खरीद सकते हैं, मैं ब्लड नहीं मिलता। आदमी जब बीमार हो जाता है तो ब्लड की ज़रूरत होती है, दुनिया तड़पते रहता है, परेशान रहता है। ब्लड बैंक का प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आज हमारे डायनेमिक डिप्टी मेयर साहब फसीउद्दीन बाबा साहब भी हमारे साथ है, वो भी इसी का एसेंसी के। हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज उनके जन्मदिन पर एक काम करते हुए लोगों का वेलफेयर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी सारे तेलंगाना में लोग दवाखानों में मौजूद हैं, लोग जो हेल्थ कैंप जहाँ भी डाले हैं लोगों को फ्री ट्रीटमेंट के लिए बहुत दवाएँ दे रहे हैं। बहुत आज के दिन खैर का काम हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। यकीनन हम लोग खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला ने हमारे सीएम साहब केसीआर साहब यकीनन गार्ड लिखता है, बहुत अच्छी तरीके से तेलंगाना स्टेट चला रहे हैं और उनके बेटे केटीआर साहब बेटे होने के नाते नहीं वो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है और वो बहुत अच्छा उनके पास जो 3 पोर्टफोलियो है वो तीनों के तीनों पोर्टफोलियो में वो इंडिया में नंबर वन है। इसलिए आज हम सब बहुत खुश हैं। आज उनके जन्मदिन पर हर जगह प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पर जूबली हिल्स में हमारे गोपीनाथ साहब MLA साहब ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, उनके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनके साथ पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ के तमाम जितने TRS के लीडर्स हैं और जो जो लोग ब्लड बैंक